पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। अब उसी डॉक्ट्रिन के कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ नहीं दो एक्सेप्शन होते हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है ये कि व्हेन एन एग्रीमेंट इज नोन टू बी वॉइड, जब एग्रीमेंट कोई वॉइड हो गया तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई भी इलीगल या फिर इम्पॉसिबल एक्ट, मान लीजिए कि ए ने बी से कहा कि अगर तुम आसमान से तारे तोड़ करके लाओगे तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा, ठीक है, और उसने एडवांस में उसको 500 रुपए दे भी दिए। लेकिन अब इस केस में वो अपने 500 रुपए रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज दिस वॉज एन इम्पॉसिबल एक्ट। फिर से सुनिएगा कि जब कोई इम्पॉसिबल या फिर इलीगल एक्ट होता है, मान लीजिए किसी ने किसी को मारने का ये कहा कि तुम इस इंसान को जाकर के मार दो, मैं एडवांस में तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूं, बाकी काम होने के बाद दूंगा, लेकिन बाद में ये क्योंकि एक इलीगल एक्ट था तो जो पैसे उसने दिए थे वो भी वो रिकवर नहीं कर सकता। दूसरा जो एक्सेप्शन होता है वो भी ये होता है कि व्हेन एन एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू बिटवीन इनकॉम्पिटेंट पर्संस। जब अभी पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी तो की पॉइंट्स में ये भी बताया था कि जो कॉम्पिटेंट पार्टी होती है वही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन में। वैसे भी कि कॉम्पिटेंट पार्टी ही किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, इनकॉम्पिटेंट नहीं कर सकते। यहां पर इनकॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, माइनर हो यानी कि 18 से अगर कम एज की है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर इंटॉक्सिकेशन हो, ड्रग्स के नशे में हो, या किसी भी तरह का नशा अगर उस इंसान ने कर रखा है और अगर उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है तो उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन एप्लीकेबल नहीं होगा। यही तो एक्सेप्शन होती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और ये भी कि आप लोग कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।